नमस्कार दोस्तों मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जी के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कर्ण जी के सीरीज में आज हम जिलेंडिया पर चर्चा करने जा रहे हैं जिलेंडिया जिसे कि आठवें महाद्वीप का दर्जा दिया जा रहा है माना जा रहा है हालांकि अभी प्रोसेसिंग में है सारे सारा सिस्टम देखते हैं आगे की स्थितियाँ क्या बनती है और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले यदि मैं कहूं तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है और इस पोर्शन के बारे में मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने महाद्वीप पुण्य कराए थे कॉन्टिनेंट जो उनको करवाए गए थे उसमें ये एक टॉपिक के रूप में ऐड कर ले और जो भी बता रहा हूँ वर्तमान में इसके बारे में इतनी ही जानकारी है और जो भी नई अपडेट होगी वो आप जानते हो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वो बता दी जाएगी और यदि ये आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसकी पी के लिए और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है इसके अलावा अन्य लिंक भी वहाँ पर है जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के परचेज कोर्सेज से संबंधित है आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो तो आपके सामने ये एक डायग्राम है और जो बच्चे वर्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं नहीं भी पढ़ चुके हैं तो वो एटलस की सहायता ले सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन है ये वास्तव में हम कहें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है आप कह सकते हो कि ये जो है ये प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है पहली बात तो ये साउथेरियन पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे ये जो प्रशांत महासागर है इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है थालासा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसकी जो आकृति है यह त्रिभुजाकार होती है ट्राइंगल शेप में होती है आप जब मैप में देखोगे तो आप बकायदा ट्राइंगल का रूप लिए देखोगे और इसकी जो विशेष बात है यह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये जब हम स्थिति में देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है ये न्यूजीलैंड है अन्य यहां पर और भी कई देश हैं। और जो मैंने आपको ये रेड कलर में बताया है ये है जिलेंडिया ये जिलेंडिया है अब हमें इसकी बात करनी है देखिए सबसे पहले तो आपको इस स्थिति में ही पढ़ना है लिखना नहीं है ध्यान रखें आपके सामने एक मैप है यदि जो जोग्राफिक कंडीशन से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वो आपसे इसकी स्थिति पूछ सकता है वर्तमान एग्जाम में इस तरीके की भरमार देखने को मिलती है पहले भी आए हुए हैं ऐसा कुछ बात नहीं है क्वेश्चन की तो जिलेंडिया की बात करें एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है या प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में पहला पॉइंट दूसरा हम यह कह सकते हैं यह जो न्यूजीलैंड है इसके उत्तर में है यह कह सकते हैं और वैसे न्यूजीलैंड के नीचे की तरफ होता है नीचे की तरफ का मतलब यह होता है जैसे समुद्र तल से ऊंचाई वगैरह आपने बोलते हैं ना उस टाइप से लेकिन स्थिति के आधार पर देखोगे तो यह उत्तर की तरफ आपको मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व की तरफ है तो यह स्थिति हमें पता लगी अब देखिए ये जो जिलेंडिया है ये क्या है क्यों चर्चा में है उसकी बात करेंगे देखिए सबसे पहले तो इसकी जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि इसका 94 परसेंट से अधिक भाग जल से डूबा हुआ है आप कह सकते हो कि इसका सिक्स परसेंट भागी हमें क्या है दिखाई देता है और अब हम बात करें इसके अन्य नाम इसके कई अन्य नाम है जैसे इसको न्यू भी कहा जा रहा है एक नाम और है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी बात करते हैं दूसरा लिखिए ते रियू ए माई ये नाम मुझे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण लगा ते रियू ए माई थोड़ी सी बात हम इसको टच करके पढ़ेंगे देखिए ये माओरी भाषा में है माओरी भाषा में है वास्तव में जो ये माओरी भाषा है ये न्यूजीलैंड की भाषा है न्यूजीलैंड की स्थानीय भाषा है ये अब देखिए ये जो माओरी है याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है माओरी कहा जाता है तो न्यूजीलैंड के निवासियों को भी ए, ए, माओरी कहा जाता है क्योंकि वहां की स्थानीय भाषा ये माओरी है आप इसकी इसकी तुलना इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे भारत की हिंदी है तो हमें हमें भी कहीं कहते तो ये तो हिंदी है तो उस तरीके से इसका नाम दिया जाता है तो यह न्यूजीलैंड के स्थानीय भाषा है और न्यूजीलैंड के निवासियों को भी माओरी कहा जाता है एक बात लिख दीजिए न्यूजीलैंड के निवासियों को भी माओरी कहा जाता है क्लियर अब देखिए अब हम बात करेंगे ये जो जिलेंडिया है ये चर्चा में क्यों रहा एक तो ये 1990 के दशक में भी चर्चा में रहा था यहां पर क्या बात हुई थी वैज्ञानिकों ने इसके विशाल पानी के नीचे नीचे द्रव्यमान की खोज की थी विशाल पानी के नीचे द्रव्यमान की खोज की थी तो तब भी यह चर्चा में रहा था उसके बाद यह 2017 में भी चर्चा में रहा यहां पर इसे औपचारिक महाद्वीप का दर्जा मिला आप यह कह सकते हो कि आठवें महाद्वीप का दर्जा मिला यह कह सकते हो अब यहां इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना मैंने आपको कहा औपचारिक महाद्वीप का दर्जा दिया गया तो इसका मतलब यह है अब यह सिस्टम प्रोसेसिंग में है आने वाला वक्त बताएगा कि हम इसे महाद्वीप माने या न माने किस तरीके से जो स्थितियां सामने आएगी ये वक्त पे डिपेंड करेगा आज नहीं कह सकते कहीं आज आप ये कहने लग जाओ कि अब आठ महाद्वीप हो गए गलत हो जाएगा ध्यान रखें वर्तमान में सात महाद्वीप ही है लेकिन इसको आठवें महाद्वीप का दर्जा दिया गया है जो कि प्रोसेसिंग में है अभी चल रहा है देखते हैं आगे की स्थितियां किस रूप में हमारे सामने आती है अब देखिए 2020 में ये चर्चा में रहा है अभी ये आज के न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो न्यूजीलैंड की जी एन एस साइंस ने इसके नक्शे को नक्शा मतलब मैप को उजागर करने की बात कही है अब देखिए दोस्तों यहां पर आप अन्य जो भी बात आप पढ़ते हो उसमें ये बातें लागू करें जैसे हमने कहा हमारे सामने एक न्यूज आ गई कि जीएनएस साइंस ने इसके नक्शे को उजागर करने की बात कही है तो एक तो आपसे यहां पर जीएनएस साइंस क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसे ही कहते हैं अपडेशन सिस्टेमेटिक किस तरीके से तैयारी करें हम ये तैयारी करने का तरीका होता है जस्ट उसको कैच करो क्या है ये और उसको विस्तार दो जितना विस्तार आप दे सकते हो एक सीमा के तहत क्लियर अब मैं यहां जी एन एस की बात करने जा रहा हूं क्या है ये जी एन एस इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल एंड नेचुरल साइंसेस ये है ये है न्यूजीलैंड का भूवैज्ञानिक व परामर्श संस्थान है ये मतलब जियोलॉजिकल या भूमि से संबंधित ये रिसर्च करता है और अपने अनुसंधान को सलाह के रूप में ये बताता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूजीलैंड का सरकारी तंत्र है ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये प्राइवेट नहीं है ये न्यूजीलैंड का ये सरकारी तंत्र है तो इसे आप ध्यान दें अब देखिए न्यूजीलैंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन चुका है आप जानते हो कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं और इसकी जो खास बात है याद कीजिए इसकी जो राजधानी है वेलिंगटन इसकी राजधानी है बता चुका हूं मैं थोड़ा सा ही रिवाइज कराऊंगा इसको कहते हैं विश्व में दक्षिणतम राजधानी विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी जो है ये वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की है वो यही है इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और न्यूजीलैंड के संबंध में पूरा एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको वहाँ जाकर इसको रिवाइज कर लें और रिवाइज जो है यही आपके कामयाबी कारण कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखता है ध्यान रखें रिवाइज को कभी भी ना भूले जैसे ही न्यूजीलैंड आपके सामने आ गया इसको आप वहां पर रिवाइज करें उसके बाद में जो भी ये नई बात आपके सामने आई है इसको जैसे मैंने कहा कि यदि आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड वगैरह जो पढ़ा है उसमें जाके इसको एक नए टॉपिक के रूप में ऐड कर ले और आज ही ऐड कर लें कल नहीं होगा इससे आपके नोट्स सिस्टेमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे क्लियर तो एक बार आप इसको उतार लीजिए अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकता है आपके चर्चा में आ चुका है ये देखिए केरल है राज्य है आप जानते हो केरल का एक जिला है पथनम थिट्टा पथनम थिट्टा ये याद रखना पड़ेगा आपको ये ये जो जिला है इसमें एक गांव का नाम है गांव का नाम है कोनी, कोनी गांव है ये ये जो कोनी गांव है इसका जो अन्य नाम है चाइना जंक्शन चाइना जंक्शन ये जो चाइना जंक्शन है ये नाम इसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और वर्तमान में ये इस कारण से चर्चा में है क्योंकि अभी भारत चाइना विवाद जो चल रहा है तो चीन की गतिविधियों से ये काफ़ी इस गांव के लोग काफ़ी क्रोधित है और इसके खिलाफ़ ये कह रहे हैं कि इस नाम को हटाया जाए तो एक तो बात ये लिखिए यह नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था हालांकि ये चाइना जंक्शन नाम तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था लेकिन फिर भी इसका जो स्थानीय नाम जो है जो यहाँ के लोग हैं इसे अपनी भाषा में इसको चाइना मुक्कू के नाम से जानते हैं दोस्तों मैंने कई बार ये महसूस किया है इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आपसे ये पूछा जाता है कि अभी हाल ही में चाइना जंक्शन या चाइना मुक्कू चर्चा में रहा इसका संबंध क्या है है क्या तो उसमें एक ऑप्शन डाल देता है केरल के एक गांव का स्थानीय नाम केरल के एक गांव का स्थानीय नाम और अन्य ऑप्शन में वो अन्य गतिविधियां दे देता है अन्य प्रकार के ऑप्शन बना के दे देता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट की नज़रों से निकल जाते हैं तो थोड़ा सा भी जब आप अखबार पढ़ रहे हो तो उसको सजगता और सतर्कता के साथ पढ़ें ताकि कोई चीज़ जब आपके सामने आए तो आपके दिलो दिमाग पर वो रच बस जाए क्लियर तो दोस्तों चाइना जंक्शन चाइना मुक्कू इस पर चर्चा के बाद हमने आठवें महाद्वीप जिलेंडिया की अब तक की जानकारी को प्राप्त किया आगे जो भी जानकारी आएगी उसको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे यहाँ वापस मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन में जहाँ महाद्वीप कराए थे वहां पर इस टॉपिक को ऐड कर लें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे नमस्कार स्वीकार करते हुए इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार